अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, अता फ़रमाए और आपके रिज्क में और आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए। मूसा हो गया था रेडी, अपने बाबा के साथ जा रहा है बाहर। मैंने इसको तैयार किया तो ये निकलता है, तो फिर मैंने कहा मैं खाना बनाती हूँ किचन में जाके। और आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। और मूसा को मैंने 4-5 दफ़ा ये जूता पहना दिया है, लेकिन बार बार उतार ही जा रहा है और तंग किया हुआ है। और इसका काम तो चलो चलता रहेगा, चलते हैं किचन में। और किचन में मैंने कीमा और प्याज़ ऑयल डाल के अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपने मसाले डालूँगी। तो लाल मैं मसाले डाल रही हूँ, डालती हूँ। हो गया था अच्छे से ड्राई। लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्दी, नमक और ये सारे मसाले मैंने 1 टेबल स्पून डाले हैं। और लाल मिर्च मैं थोड़ी कम डालूँगी, क्योंकि मूसा मिर्चें इतनी नहीं खाता और इसकी वजह से थोड़ी कम डालूँगी, ताकि ये खाना अच्छे से खा ले। और मसाले को करेंगे अच्छे से मिक्स। देखें व्यूअर्स, ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है कीमा ऐसे। और आजकल बच्चों के बहुत मसले हैं, खाना नहीं खाते, और इनको खिलाने के लिए बहुत तरकीबें करनी पड़ती हैं कि किसी तरह ये खा लें। लेकिन आपके बच्चे भी कोई ऐसे हैं, अगर आपको कुछ पता है कि बच्चे खाना कैसे खा लें, कैसे खिलाया जाए बच्चों को खाना, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊं। एक दिन वो चीज़ खानी है तो अगले दिन वो नहीं खानी, और बस ऐसे ही चक्कर है। बच्चों को आजकल बहुत सताते हैं, और बाहर की चीज़ें जितनी मर्जी खिला दो, घर की भी खानी। ये चलें जी, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं दो। आपने अगर दही डालना तो दही डाल लें, मैंने टमाटर डाले। मेरे हस्बैंड कब से कह रहे थे कि आलू कीमा बनाओ, आलू कीमा बनाओ, तो मैंने कहा चलें आज आलू कीमा बना लिया जाए। तो मैंने फिर आज आलू कीमा बना लिया। तो देखें व्यूअर, हर किसी के बनाने का मेथड अलग होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे बहुत पसंद है, और कीमा भी अच्छे से इस तरह से फ्राई और कुक हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो बहुत मज़े का बनता है। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। देखें व्यूअर्स, ऑयल हमारा आ गया, लेकिन कीमे को हमें अच्छे से कुक करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, हाफ ग्लास इसमें पानी जाएगा। देखिए अभी बस ऐसे बनाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। पानी मैंने इसमें डाल दिया, पानी पकना शुरू हो गया, और थोड़ी देर इसे पकने देंगे ताकि कीमा अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। और इसमें मैंने अपने आलू भी डाल लिए थे, और मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था, पानी को ड्राई कर लिया था। खाना हो गया था रेडी, और उनके बाबा भी आने वाले हैं, मैंने इसको सर्व किया और खाना हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।